everyone, welcome to new vlog. तो आज जा रहे हैं special vlog के अंदर हम कहाँ जा रहे हैं नियाश? हम जा रहे हैं Delhi Zoo. Yes, तो हम जा रहे हैं Delhi Zoo में, जो कि बहुत ही बढ़िया और बहुत ही famous zoo है. तो चलो चलते हैं zoo और आज आपको दिखाते हैं Delhi Zoo. नियाश, आपकी तो पार्टी अभी से चालू हो गई, अभी तो आप जू भी नहीं पहुंचे. मैं तो बहुत सारा सामान लाया था खाने पीने की. आपने बहुत सारी आइटम ले ली लगता है. अभी स्ट्रिंग भी राउंड जो आपने मुझे अभी दिया है पीने के लिए. अच्छा, तो आपने तो अभी से पार्टी चालू कर दी है. तो फाइनली हम जू के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे आज बहुत भीड़ है संडे की वजह से. और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे इसकी जैसे आप ऑनलाइन वाला टिकट बुक करते हैं तो 80 रुपये की टिकट बुक होती है 80 रुपीज़ की, और बच्चों की होती है 40 रुपीज़ की. और यहाँ पे इनका स्लॉट होता है फिक्स, तो जब भी आप आएँ ज़रूर अपनी टिकट बुक कर लें, वरना यहाँ आप आएंगे और पता लगेगा कि स्लॉट ऑलरेडी फुल हो चुका है तो आपको टिकट ही नहीं मिल पाएगी. तो आज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपनी बुकिंग नहीं करी हुई और जिस कारण से वो आए भी हैं और यहाँ से उनको वापस जाना पड़ रहा है. तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपनी जो है टिकट पहले ही सुबह सुबह कर लें जब भी आपका प्लान होता है आने के लिए, ताकि आपको यहाँ आके वापस ना आना पड़े. तो चलो चलते हैं जू के अंदर और करते हैं अंदर मस्ती और दिखाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें. बोलो बेटा. पापा, मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे सब एनिमल दिखूंगा. हाँ बेटा, सब दिखाएंगे आपको. तो आप देख सकते हैं जो जू की स्टार्टिंग होती है वो यहाँ पे फाउंटेन से होती है, और बहुत ही सुंदर फाउंटेन है जो कि आप सामने देख सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है. तो देखिए कितना बढ़िया फाउंटेन है देखने के लिए. तो रियांश, अगर आपको आज घूमना अच्छी तरह है तो बेटा बहुत चलना पड़ेगा आपको पैदल. मैं तो चल लूंगा हर रोज, इतना 10-10 घंटे खेलता हूँ मैं. 10-10 घंटे खेलते हो, पर यहाँ पे अगर मस्ती करनी है, सारे एनिमल्स देखने हैं, तो आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा आज. ठीक है? ठीक है. तो यहाँ पे एंट्री के बाद आपकी विश है कि आप पैदल अंदर जाना चाहते हैं तो पैदल भी जा सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे बैटरी रिक्शा जो है वो आप रिक्शा के बोलूँगा गाड़ी जो है पूरी जैसे वो देख सकते हैं वो जा रही है. और उसमें क्या है, पर पर्सन 70 रुपीज़ है और बच्चों को लगता है 30. तो बेस्ट ऑप्शन है उसमें क्या है कि जैसे आप अंदर जहाँ जहाँ एनिमल्स होते हैं ये आपको गाड़ी लेके जाती है, और जितनी देर आपने एनिमल देखना, देखिए गाड़ियाँ आती रहती हैं, किसी भी गाड़ी में आप बैठ सकते हैं. तो बहुत बड़ी ऑप्शन है पैदल अपने आपको यहाँ पे थकाना, उससे बढ़िया बैटरी वाली ऑप्शन ले लीजिए. स्टार्टिंग के अंदर ही काउंटर है, देख सकते हैं वहाँ पे इस तरीके से वो कर सकते हैं, बहुत ही बड़ी ऑप्शन है. तो हमारी गाड़ी भी आ चुकी है और चलते हैं अब इस गाड़ी के अंदर. तो एनिमल देखने के लिए हम ऑलरेडी बैटरी वाली गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और अब चलेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे पहला फर्स्ट एनिमल. और ये देख सकते हैं ये सामने जो है वो हम जा रहे हैं, और पीछे जो है लोग भी ऑलरेडी बैठे हुए इस गाड़ी के अंदर. तो चलो चलते हैं फर्स्ट एनिमल की लोकेशन पर और दिखाते हैं आपको फर्स्ट एनिमल. जू की जो टाइमिंग है वो सुबह 9:30 से लेकर शाम को 4:30 बजे तक. आप सुबह सुबह जितनी जल्दी आएंगे उतना ज़्यादा बेटर घूम पाएंगे. और याद रखना हर फ्राइडे को जो है ऑलरेडी ये जू बंद रहता है दिल्ली का, और आप यहाँ पे जहाँ भी घूमेंगे हर जगह पे जो है डायरेक्शंस वगैरह के बोर्ड लगे हुए हैं, तो आपको घूमने फिरने में एनिमल्स देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप ईजिली जो है उसको लोकेट कर सकते हैं. तो ऑलरेडी जैसे ही हम जिस लोकेशन पर अपना ऑलरेडी एनिमल्स वगैरह देख लेते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लोकेशन के लिए यहाँ से जैसे ये गाड़ी देख सकते हो आप बैटरी वाली, इसको ले सकते हैं और अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जा सकते हैं जहाँ पे नेक्स्ट एनिमल वगैरह को देख सकते हैं. तो ये देख सकते हैं कि सामने जो है ये ब्लैक बर्ड्स हैं जो कि सामने ऑलरेडी घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं. तो वो देखिए सामने कितने सारे जो है ब्लैक बर्ड्स जो है ऑलरेडी इसके अंदर घूम रहे हैं, ये देख सकते हैं आप सारे के सारे ये जो है ब्लैक बर्ड हैं. प्रियांश, मज़ा आ रहा है घूमी करने में आपको? बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. अच्छा, थके तो नहीं हो आप अभी? नहीं. पक्का? पक्का. तो अगली लोकेशन पे आ चुके हैं जहाँ पे हैं ऑलरेडी हिरन डियर. ये है सांबर ये हिरन. तो ये देखिए सामने जो है ऑलरेडी ये सांबर हिरन है, तो मैं इनको आपको जूम करके दिखाता हूँ. ये देखिए ये जो है सांबर हिरन है. तो अभी थोड़ा सा और पास चलते हैं जिसमें कि मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखिए देख सकते हैं बहुत सारे जो है सांबर हिरन जो है ऑलरेडी बैठे हुए हैं यहाँ पे, ऑलरेडी आई थिंक उनका रेस्ट चल रहा है, धूप सेक रहे हैं. ये देखिए ऑलरेडी जो है सारे के सारे सांबर हिरन है. और पापा, ये ना सांबर हिरन का नाम था क्योंकि इनसे सांबर बनता है. सांबर बनता है? सांबर थोड़ी ना बनता है, ये तो बेटा क्या नाम ऑलरेडी इनका नाम है. तो रियांश और मेरा कर रहा था कुछ मन पीने को, और थोड़ा सा घूम तो चुके ही हैं, फिर मैंने ले ली है जो एक स्ट्रिंग, और रियांश का मन था आइसक्रीम. वैसे इसको आइसक्रीम अलाउड नहीं है क्योंकि विंटर्स चल रहे हैं,
बट थोड़ा सा अभी धूप है तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं खा लो, क्योंकि बहुत सारे लोग खा रहे थे। तो रियांश कैसी लग रही है आइसक्रीम अभी? आपको तो वैसे आइसक्रीम अलाउड नहीं है, आइसक्रीम भी खाने को मिल गई आपको? बहुत टेस्टी है, मजा आ रहा है। चलो जू आने का आपको फायदा हो गया, आइसक्रीम मिल गई खाने को आपको। पापा गाड़ी आ गई। हाँ तो ये देख सकते हैं रियाना उर्स बहुत सारे यहाँ घूम रहे हैं। ये देखिए क्लोज से आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए रियानोस जो है, ये रियानोस है जहाँ पे हम पहुँचे हैं। ये देखिए गैंडा बोलते हैं। तो रियांश अभी हमने क्या देखा, रियानोस गैंडा कितने बड़े बड़े थे ना, बहुत बड़े थे, डर सा लग रहा था देख के। अब कहाँ जा रहे पापा आप बताओ? अब हम देखने जा रहे हैं भालू देखेंगे भालू। तो अब देखने आ चुके हैं हिमालयन ब्लैक बियर, जो कि सामने जो है देखना पड़ेगा एक बार। जो है ये वो देखिए ऑलरेडी अंदर से बाहर निकल रहा है, ध्यान से देखिए ऑलरेडी अंदर की साइड में, ये देखिए बाहर को आ रहा है। तो ये देखिए ऑलरेडी हिमालयन भालू है, वो देखिए चल रहा है ऑलरेडी और ये अंदर को जा रहा है। तो देख चुके हैं हम भालू भी, और आगे हमने पहले देखा था अपना, क्या देखा था हमने, गैंडा रियानोस। तो अब हम चल रहे हैं अगली लोकेशन पर और देखते हैं अगली लोकेशन पर हमें क्या देखने को मिलता है। और आप जब भी यहाँ घूमने को आए, यहाँ पे 5 बजे बंद होने का टाइम है, पर अराउंड 4:45 के आसपास में बंद करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी आए तो हमेशा प्लान करें सुबह जल्दी आने का, अगर आप लेट आएंगे तो प्रॉपर घूम नहीं पाएंगे, इसलिए जल्द कोशिश कीजिए कि सुबह 11-12 बजे तक आप यहाँ पे घूमने आ जाएं। तो बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर, बैटरी गाड़ी के अंदर, और यहाँ से हम चल रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, देखते हैं हमें क्या देखने को मिलता है। आपको क्या लग रहा है कि क्या मिलेगा वहाँ पे आगे? टाइगर देखना है, एलिफेंट देखना है आपने? चलो देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है, चलो देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है हमें। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखें, यहाँ जब भी घूमने फिरने आए तो बाहर से अच्छी तरह खा पी के आए, क्योंकि अंदर खाने पीने की ऑप्शन इतनी नहीं है। ये इस तरह के स्टॉल्स वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे कॉफ़ी और आपको सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह मिल जाती है। तो जब भी आए तो बाहर से पूरा पेट वगैरह भर के और खा पी के आए। ये देख सकते हैं ये ऑलरेडी पानी के अंदर हिप्पोटामस जो है ऑलरेडी लेटे हुए हैं, जैसे देख सकते हैं, मैं जूम करके भी दिखाता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी आराम से पानी के अंदर मजे ले रहे हैं और आराम से लेटे हुए हैं। तो ये है हमारे हिप्पोटामस। अब आप देख सकते हो हिप्पोटामस के देखने के बाद, ये है हमारे वाइट बक, जो कि ये देख सकते हैं वाइट कलर के अंदर है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ क्लोज से। तो ये देखिए ये ऑलरेडी हमारे वाइट बक्स हैं, जो कि मैं जूम करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ऑलरेडी बहुत सारे हैं यहाँ पे, और पीछे देख सकते हैं ऑलरेडी पूरा झुंड बना के जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखिए मैं ऑलरेडी जूम कर दिया है, तो ये सारे के सारे जो है ये है वाइट बक। और एक चीज़ और आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जब भी आप यहाँ पे आएँ तो कुछ भी खाने पीने की चीज़ बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। तो आप जो है बाहर ही जो है, अगर आपको जो भी अगर खाने पीने का सामान अंदर लाने की कोशिश करेंगे, चिप्स वगैरह कुछ भी, तो आपके बाहर ही रखवा लेंगे। तो जब भी आएँ तो यहाँ पे खाने पीने की चीज़ साथ में बिल्कुल मत लाएँ, जो भी खाना बाहर से खा के आएँ। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पानी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जगह जगह पे जो है वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी दी हुई है, पानी की फैसिलिटी दी हुई है। तो मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं, तो इस तरीके से ऑलरेडी जो है वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी है। तो ये चीज़ जो है गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अब आ चुके हैं हम देखने क्रोकोडाइल, जो कि सबसे ख़तरनाक होते हैं। तो सामने देख सकते हैं आप क्रोकोडाइल जो है ऑलरेडी लेटे हुए हैं आराम से। ये देखिए ये क्रोकोडाइल जो है ऑलरेडी रेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पास से। तो ये देखिए हमारे यहाँ क्रोकोडाइल जो कि ऑलरेडी आराम से जो है रेस्ट कर रहे हैं इस टाइम। देखने में कितने शांत लग रहे हैं, पर जब ये किसी पर अटैक करते हैं तो बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। तो ये देखिए ऑलरेडी फ्रंट से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रोकोडाइल कितना शांति से लेटे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़िंदा ही ना हो। पर जिन पे अटैक करना है तो ऐसे अटैक करते हैं कि बंदे को पता भी नहीं लगने देते। तो ये देखिए ऑलरेडी कितना शांति से जो है ऑलरेडी ये लेटे हुए हैं। तो ये सामने जो बैठा ये है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये बिल्कुल क्लोज से दिखाता हूँ मैं आपको जूम करके। तो ये देखिए ये ऑलरेडी है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। फाइनली पहुँच चुके हैं हम लॉयन के पास, और रियांश लॉयन देख के डर तो नहीं लग रहा आपको? तो ये देखिए सामने जो है हमारा लॉयन आ चुका है, और ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये है हमारा लॉयन। तो ये देखिए लॉयन आराम से बैठा हुआ है उधर को मुँह करके। तो ये है लॉयन का घर जहाँ पे रहता है लॉयन। तो ये देख सकते हैं थोड़ा सा और पास से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारा लॉयन जो कि बैठा हुआ है आराम से। तो अब जा रहे हैं हम टाइगर देखने, तो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं टाइगर। यहाँ से ये तो आपने बहुत बढ़िया स्टाइल बना लिया, ये तो न्यू कोई फैशन निकाल दिया आपने। खैर यार ये न्यू फैशन है क्या?
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं एलिफेंट के पास। तो पीछे आप देख सकते हो सामने एलिफेंट जो है हमें मिल चुका है, और ये एलिफेंट जो कि अपना खेल रहा है, आई थिंक ऑलरेडी हिल रहा है और पता नहीं क्या कर रहा है। एक और टाइगर होगा। तो देख सकते हैं सामने है वाइट टाइगर जो कि ऑलरेडी घूम रहा है उधर सामने। तो ये देख सकते हैं ये ऑलरेडी है वाइट टाइगर का घर जहाँ पे ऑलरेडी वो रहता है। तो ये है पूरा का पूरा घर उसका जहाँ पे ऑलरेडी वाइट टाइगर जो है रहता है। तो ये पूरा का पूरा जो है वाइट टाइगर के लिए घर बनाया गया है। ये हमारा ऑलरेडी वाइट, ये है जैगुआर, जैगुआर जो कि यहीं ऑलरेडी घूम रहा है, ये देख सकते हो आप, ये है जैगुआर। तो देखिए ये है हमारा घड़ियाल जो कि आराम से जो है रेस्ट कर रहा है इस टाइम। अब जा रहे हैं वाइट टाइगर को देखने, और ऑलरेडी बस जस्ट पहुंच चुके हैं और वाइट टाइगर जो है बस हमारे सामने ही जो हमें दिखाई दे रहा है ऑलरेडी बैठा हुआ है। बैठा तो ऐसे हुआ है कि जैसे ऐसा लग रहा है नकली है। ये देखिए सामने ये हमारा वाइट टाइगर, वो देखिए सामने ऑलरेडी बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है बिल्कुल हिल नहीं रहा जैसे कि नकली हो, पर है असली। और ये है इसका पूरा घर जहाँ पे ये रहता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सामने वाइट टाइगर, अभी इसको पास से भी देख। तो ये देख सकते हैं सामने है वाइट टाइगर और पेड़ के जो है बिल्कुल पीछे बैठा हुआ है, बिल्कुल भी हल्का सा मूव नहीं कर रहा है, बट ये है असली में, कोई नकली नहीं रखा हुआ। और ये पूरा का पूरा इसका घर है। तो ये देख सकते हैं ये ऑलरेडी है पेड़ के पीछे। जगह जगह पे ऑलरेडी पानी वानी पीने की सारी फैसिलिटी है फ्री ऑफ कॉस्ट। वो देख सकते हैं पीछे जो है ऑलरेडी वाटर वगैरह ऐसे जगह जगह बने हुए हैं, और ये सिटिंग विटिंग का भी हर जगह पे इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं जहाँ पे आप ऑलरेडी थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकते हैं घूम घूम के, क्योंकि अंदर बहुत घूमना पड़ता है तो हम थक भी जाते हैं। तो इसी वजह से जो है ये अलग अलग सब जगह बनाए। रियांश भी जो है ऑलरेडी थक चुका है तो थोड़ा सा रेस्ट कर रहा है अभी। तो ये हमारा लेपर्ड जो ऑलरेडी घूम रहा है अंदर, देख सकते हैं बिल्कुल पास से जो है आ चुका है ये देख सकते हैं बिल्कुल पास में है लेपर्ड। सो आज दिल्ली जू के ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाई जू के अंदर, बहुत सारे एनिमल्स दिखाए। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ बनाने में लगते हैं बहुत मेहनत। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर। खत्म करने से पहले रियांश को भी, रियांश ऑल्सो वॉन्ट्स टू से समथिंग, तो से समथिंग रियांश। मेरे को ये बोलना है गाइस, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो पापा के चैनल पे कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। सो बाय।